नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बदमाशों ने कार के टायर में पंचर कर व्यवसायी का बैग पार कर दिया। सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की, अन्यथा बदमाश पकड़े जाते। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर और थाना मधुबन बापूधाम की सीमा पर पंचर हुई कार से बेखौफ बदमाश व्यवसायी का बैग उठाकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि जिस समय बेखौफ बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया तो वहां मात्र 10 कदम की दूरी पर मधुबन बापूधाम पुलिस खड़ी हुई थी और उसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, क्योंकि शोर मचाने पर भी उसने शातिर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। जानकारी के अनुसार सीमा विवाद को लेकर दोनों थाने की पुलिस लगभग 2 घंटों तक आपस में उलझती रही और पीड़ित उनका मुंह देखता रहा। वहीं बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि गाजियाबाद के सूर्यनगर निवासी पंकज जैन सोमवार दोपहर गाजियाबाद से हाईवे 58 होते हुए मुरादनगर के लिए अपनी कार द्वारा निकले थे कि तभी ग्राम दुहाई के पास आते ही उनकी कार पंचर हो गई। जैसे ही कार का चालक पंचर बना रहा था तो तभी पीछे से एक बाइक सवार 2 बदमाश आए और उन्होंने कार में रखा हुआ बैग निकाल लिया और वह देखते ही देखते मौके से फरार हो गए, जिसमें लैपटॉप, सामान और कीमती दस्तावेज भी बताए जा रहे हैं। जैसे ही पीड़ित ने यह नजारा देखा तो उन्होंने बदमाशों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। गौरतलब है कि पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना मुरादनगर और थाना मधुबन बापूधाम पुलिस आपस में सीमा विवाद को लेकर उलझी रही। इसके बाद पीड़ित ने थाना मधुबन बापूधाम में शिकायत की तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया, जिसके चलते पीड़ित ने जनपद के कप्तान पवन कुमार को घटना की जानकारी दी है। तब जाकर मधुबन बापूधाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बाद में स्पष्ट हुआ कि घटनास्थल मुरादनगर क्षेत्र का है तो अधिकारियों ने थाना मुरादनगर में शिकायत ट्रांसफर करने की बात कही है। आज आपके साथ यहाँ पर क्या घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? यहाँ पर किसी ने मेरी गाड़ी में पंचर करा, कैसे करा वो मुझे पता नहीं। मेरी गाड़ी यहाँ पे आने के बाद पंचर, ड्राइवर पंचर बदल रहा था, मैं साइड में खड़ा हुआ था। इतने में मेरी निगाह पड़ी तो 2 लड़के बाइक पे आए, एक लड़का कूद के गाड़ी में घुस गया और बैग उठा के भागने लगा। इतनी देर में मैं उसके पीछे भागता, कुछ समझता वो बाइक में बैठ के। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं गाजियाबाद से जा रहा था अपनी फैक्ट्री में जा रहा था, मुरादनगर। तो ये घटना कहाँ पे हुई है आपके साथ? बिल्कुल यही जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये दुहाई का है एरिया, जहाँ से कुंडली बैरिफर के लिए ऊपर रास्ता चढ़ता है उससे 10 कदम आगे, और वहीं पे एक जीप भी खड़ी हुई थी पुलिस की। ड्राइवर ने जाके उनको बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारा एरिया नहीं पड़ता, मुरादनगर जाओ। फिर पंचर लगवा के हम लोग मुरादनगर पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया, बाबूधाम का है, बाबूधाम की पुलिस भी आ गई मुरादनगर। 1 घंटे 1.5 घंटे तक वो लोग आपस में लड़ते रहे, किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि CCTV फुटेज निकाला जाए या बदमाशों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई की। तो क्या आपका क्या कीमती सामान था उसमें? मेरा उसमें लैपटॉप था और मेरे जरूरी कागजात थे, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर है, मेरे बहुत जरूरी कागजात है। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मेरा बैग नहीं है। लगभग कितने तक का नुकसान है आपका? नुकसान का तो कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता ना, प्रॉपर्टी के पेपर है, कैसे बनेंगे कैसे आएंगे। पेपरों का मामला है, जरूरी डॉक्यूमेंट है, जरूरी दस्तावेज है मेरे साथ, कैसे करी जाए? अगर पुलिस इसी तरह से विवाद में उलझेगी तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन पुलिस ने आपकी कोई सहायता नहीं करी है? 10 कदम पीछे PCR खड़ी हुई थी बापूधाम की, उनको बोला गया है, मेरा ड्राइवर बोल गया है, उन्होंने एग्री भी किया है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, मना कर दिया। जब आप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने यही बोला कि हमारा एरिया नहीं है, मुरादनगर थाने का थे। कौन सी एरिया की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी? क्या आपने इसकी सूचना मुरादनगर पुलिस को भी दी? मुरादनगर जाके आया मैं, वहाँ से भी आए 3-4 लोग लेकिन वो आपस में उलझ गए, और बापूधाम वाले सब लोग आ गए थे लेकिन वो आपस में उलझ गए। वो कहते हमारा एरिया नहीं है, वो कहते हमारा एरिया नहीं है।